कार्तिक स्वामी मंदिर पूरे उत्तर भारत में स्थित भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर, जहां उनकी अस्थियां आज भी मौजूद हैं और उन अस्थियों की पूजा यहां आज भी की जाती है। भगवान कार्तिकेय को भगवान मुरुगन स्वामी के नाम से भी जाना एवं पूजा जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव कनकचौरी के पास क्रौंच पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए आपको प्रकृति से भरे रास्ते पर 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग और फिर लगभग 380 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो चलिए साथ में दर्शन करते हैं उत्तर भारत के एकमात्र भगवान मुरुगन स्वामी यानी कार्तिक स्वामी मंदिर के। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। वाला गांव है आप लोगों का कार्तिक स्वामी। अच्छा, कार्तिक स्वामी दिख रहा है ऊपर। अरे वाह। तो भाई हमें रास्ते में कुछ बच्चे मिले, स्कूल से जा रहे थे, उनको लिफ्ट दी है। कौन सा गांव था आपका बेटा? किंजाणी। किंजाणी, नाम बताओ अपने अपने। क्या नाम था? अंशिका, आचल और आपका अंकिता। तीनों का नाम ऐसे है, तीनों बिस्ट है। तो इनका गाँव है किंजाणी। चाय पिलाओगे पक्के से? है, चाय की बात तो हो गई है भैया, बहुत दूर से ड्राइव करके आ रहे हैं, तो आज की चाय किंजाणी गांव में। ठीक है, चलो जी। अच्छा, आप ऊपर जाओगे? रास्ते पे किसी का नहीं है क्या, गेट पे? अरे चलो जी, इनका गांव हो गया। अच्छा बच्चों, बाय बाय बाय। तो हमने अपना सफर शुरू किया था चौपता से, जहां से कनकचौरी की दूरी है लगभग 80 किलोमीटर और दिल्ली से इस जगह की दूरी है 400 किलोमीटर। और लगभग 4 घंटों के सफर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कनकचौरी, द बेस कैंप ऑफ कार्तिक स्वामी टेम्पल। सो हेलो एवरीवन, दिस इज भास्कर। आप सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। पहुंच चुका हूं उत्तराखंड के बहुत ही छोटे से प्यारे से गांव कनकचौरी, और यहां से हम लोग जाएंगे दर्शन करने नॉर्थ इंडिया के इकलौते कार्तिक स्वामी टेम्पल। यहां से कुछ 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लगभग 1 से 1.5 घंटा में ट्रैक करने में लगेगा, लेकिन ट्रैक जो है काफी ब्यूटीफुल है और ऊपर से जो है यहाँ पे व्यू आता है सारी चोटियों का, नंदा देवी, केदारनाथ, केदारकंठा, चौखंबा और भी बहुत सारी चोटियां हैं। तो जल्दी से चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री कार्तिक स्वामी जी के। और आप लोग भी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कार्तिक स्वामी मंदिर को जाने के लिए जो ट्रैक है उसमें आपकी एक 50 रुपीज पर पर्सन फी लगती है वन विभाग की तरफ से। तो हम लोगों ने पर्ची कटा ली है, अब शुरू करते हैं। हर हर महादेव। इस पूरे ट्रैक पे ना पेड़ों पे ऐसे बिंदियां लगी हुई हैं। अब इसके पीछे का रीजन और स्टोरी मुझे भी नहीं पता है। तो अगर यहाँ से कोई लोकल हमारा व्लॉग देख रहा हो या और कोई भी जिसे पता हो कि ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पर या क्या मान्यता है इसके पीछे, तो जरूर बताना, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी सारे पेड़ों पे जो है बिंदियां लगी हुई है, बहुत सारी चुनिया भी बंधी हुई है। चुनियों का तो चलो समझ में आता है, मन्नत वगैरह, बिंदी का कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा क्यों है। बाकी चलते हैं।
आधा ट्रैक हो चुका है अपना पूरा। ट्रैक की डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल का है, मतलब उतना हार्ड नहीं है, बट पूरा स्टीप है, कहीं पे मतलब फ्लैट नहीं है। कि अच्छा है कि पक्के रास्ते नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, तो उस वजह से थोड़ा इजी पड़ रहा है। कल जब हम तुंगनाथ कर रहे थे वहाँ पूरे पक्के रास्ते होने, सीढ़ियों में वहाँ जोर ज्यादा लगता है घुटनों पे ना पैर उठाने में, बट ये ट्रैक अच्छा है, पूरा नेचर के बीच में ट्रैक है तो काफी अच्छा लग रहा है। बाकी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करो क्या अच्छा लगा, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं जरूर बताना। मंदिर परिसर में तो पहुंच चुके हैं और लंच हमने नीचे ही बोल दिया बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आजकल टूरिस्ट बहुत कम है, ऑफ सीजन है तो बना के नहीं रखते पहले से। तो बढ़िया सी पहाड़ी दाल, पहाड़ी हरी सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, क्या बात है। पहले दर्शन करेंगे फिर खाना खाएंगे। फाइनली नॉर्थ इंडिया के इकलौते श्री कार्तिकेय मंदिर पहुंच चुके हैं और अपने सामने है श्री कार्तिक स्वामी जी का मंदिर, आप लोग भी दर्शन करो। मंदिर का इतिहास जुड़ा है पौराणिक काल की उस कथा से, जब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को चुनौती दी कि जो भी पहले ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाएगा उसे संसार में सबसे पहले पूजे जाने का सम्मान मिलेगा। तो बस फिर क्या था, यह सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने वाहन पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल पड़े, जबकि भगवान गणेश ने अपनी चतुराई से अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के 7 चक्कर लगाकर इस चुनौती को जीत लिया। बस इसी निर्णय से क्रोधित एवं रुष्ट होकर भगवान कार्तिकेय ने श्रद्धा के रूप में अपने शरीर का सारा मांस माता पिता के चरणों में समर्पित कर दिया और स्वयं हड्डियों के एक ढांचे के रूप में वह इसी क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने चले आए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय की अस्थियां यहाँ आज भी मौजूद हैं और इस मंदिर में भगवान कार्तिकेय की उन्हीं अस्थियों की पूजा की जाती है। तो गाइज अपने बहुत ही प्यारे दर्शन जो हैं हो चुके हैं यार। जब भीड़ कम होती है ना तो काफी अच्छे दर्शन हो जाते हैं, अंदर आराम से 5 मिनट तक दर्शन वगैरह किए और यहाँ से काफी सारी जो है ना पीक्स भी दिखती है, हिमालयन पीक्स। तो एक बार चलते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। हालांकि अभी थोड़े से बादल लग गए बट फिर भी कोशिश करते हैं जितना हो सके। तो भाई ये है यहाँ से हिमालयन पीक्स का नजारा, ये जालोनी पीक और इधर फिर गंगोत्री, केदारनाथ और उसके बाद चौखंबा, चौखंबा 3rd, चौखंबा 4, देन नीलकंठ। तो थोड़े बहुत नाम है बाकी इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं तो एक बार पॉज करके पढ़ लेना। हालांकि थोड़े से बादल लग गए हैं तो इतना क्लियर अभी नहीं दिख रहा है, वरना जब हम आए थे काफ़ी क्लियर दिख रहे थे। वो कार्तिक स्वामी मंदिर से पहले भैरवनाथ जी का मंदिर भी है, तो कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन भी जरूर करें। जय भैरव बाबा की। तो
तो भाई अपने बहुत ही प्यारे दर्शन हो चुके हैं कार्तिक स्वामी मंदिर के भी, और नीचे जो भैरवनाथ मंदिर है उसके भी हमने दर्शन कर लिए साथ साथ, और ऊपर से जो व्यू है ना यार, मतलब अल्टीमेट। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा श्री कार्तिक स्वामी मंदिर के दर्शन करके। तो फिलहाल अभी नीचे चल रहे हैं और अपनी पहाड़ी खाने की थाली जो है वो रेडी है नीचे, तो चलते हैं पहले भोजन वगैरह करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। सुबह नाश्ता किया था कुछ 11-12 बजे के आसपास और अब 4 बज चुके हैं, तो जल्दी से चलते हैं। हाजी अंकल जी, हो गया अपना पहाड़ी खाना रेडी? क्या बात है, ये दाल है? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ऐसे कर दो, हाथ से घेर दो। इधर बन रही है रोटी? बहुत बढ़िया जी, शाबाश। हरी सब्जी किसकी बनाई? मिक्स वाली। तो भाई ये आ गई अपनी स्पेशल पहाड़ी थाली, पहाड़ के चावल, रोटी, पहाड़ी दाल और हरी सब्जी। हाँ, मंडवे की रोटी की डिमांड नहीं है? क्यों, होनी चाहिए। है तो आपके पास नहीं था क्या? अच्छा, डिमांड है यार, मेरे को पहले पता होता मैं तो वही बोलता। हाँ, झुंगर, और वो झुंगर के चावल हो गए और वो हो गया खीर। अरे वाह, क्या बात है। मंडवे की रोटी खाते त्यागी जी, मजा आता तुम्हें। रागी जिसको बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक। हाँ तो जी, एक बार जल्दी से टेस्ट करते हैं गांव की हरी सब्जी जिसमें लगा राई का छौंका। आज त्यागी जी को तो आनंद आ गया। अच्छा जी, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद खाने के लिए, बहुत ही बढ़िया। तो भाई स्वाद स्वाद में कुछ ज़्यादा ही खा लिया, पेट पूरा यहाँ तक भर लिया मैंने, और यार क्या स्वादिष्ट खाना बनाया था। मतलब अपने इस ट्रिप के पिछले 3-4 दिन का सबसे टेस्टी खाना आज खाया है, तो बहुत ही ज़्यादा खा लिया। अभी ट्रैक करके वापस नीचे उतर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कितना वजन लेके चल रहा हूँ जबकि आज खाली हूँ पूरे ट्रैक में, तो पेट काफ़ी हैवी हो गया है। और खाने के साथ साथ जो बंदों का व्यवहार होता है ना, मतलब अपने उत्तराखंड की यही खास बात है यार, मतलब इतना प्यार से उन्होंने खिलाया और कोई लिमिट नहीं। मतलब जैसे शहरों की तरह नहीं, 200 रुपये थाली में 2 रोटी इतना चावल, और क्या मतलब प्यार से बनाया हुआ खाना ना अपने आप ही टेस्टी लगता है, वाली बात है। मतलब तो कभी भी आप कार्तिक स्वामी टेम्पल आओ तो यहाँ से खाना खा के जरूर जाना, 100 रुपये की मात्र थाली और पेट भर के जितना आप खा सकते हो। अच्छे होते हैं हमारे उत्तराखंड के लोग। ऐसी हमें रास्ते में जो लड़कियाँ मिली थी 3-4, तो उनसे भी हमने मजाक में बोला कि तुम्हारा गांव बीच में ही है तो खाना पीना खिला दो हमें, चाय वाय पिला दो। तो उन्होंने भी इतने प्यार से बोला हाँ चलो, खाना वाना बना हुआ होगा, दिन हो गया है, खाना खा लेना, चाय पी लेना, वही प्योर गाय के दूध की। तो बस यही है कि यहाँ उत्तराखंड में आज भी ना वो इंसानियत वो सब जिंदा है। तो बस इसी एक अच्छे से नोट के साथ इस वीडियो में आप सबसे विदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने फील किया, मैंने महसूस किया, उसका कुछ % भी आप तक पहुँचा पाया हूँ। तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हर हर महादेव।